मथुरा से खबर है जहां पर किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आपकी स्किन पर जो दिखाई दे रहा है ये नजारा फरेह ब्लॉक की गांव किराई का है, जहां चारों तरफ पानी पानी ही दिख रहा है। स्थानीय निवासी गांव के किसानों ने बताया है कि आसपास के गांव के नाले साफ सफाई नहीं होने के कारण बंद पड़े हैं। बारिश के कारण नाला उफान के चलते पानी खेतों में आ गया है, जिसके कारण कई किसानों की कई बीघा जमीने पानी में डूब गई है, जिसमें लगी धान की फसल जलमग्न हो गई है। किसानों ने इसकी शिकायत लेखपाल और विधायक से भी की, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो सका। अब किसानों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन की लापरवाही के चलते किसानों ने लगभग 600 बीघा फसल बर्बाद होने का आरोप लगाया है। सभी किसानों ने बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर जिला प्रशासन से मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई है और कहा है कि बारिश के पानी के चलते नालों की समय से सफाई नहीं की गई है और नाले का पानी खेतों में आ गया है, जिसके कारण 600 बीघा खेतों में खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। क्या नाम है आपका? कैलाश चंद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? किराई गांव। क्या परेशानी है? अरे जल भराव है, सब फसल नष्ट है गई, पानी का कहीं निकास नहीं है, नाले वाले खुदते नहीं है। किससे हुआ ये जल भराव? बरसात से हुआ है, 5-7 दिन तो बरसात हरी कर रही। किसकी फसल बर्बाद हुई है आपकी? सब किसानों की फसल बर्बाद हो गई। तो आपने प्रशासन को अवगत कराया आपकी फसल बर्बाद हुई है? तो नहीं, किसी पे नहीं पहुंचे, कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? सोनपाल। सोनपाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव करारी के रहने वाले हैं। क्या परेशानी है आपको? बारिश के कारण जल भराव की समस्या है हमारे गांव में। करीबन लगभग 8-10 गांवों से पानी आके यहाँ इकट्ठा होता है। नाले की कई साल से खुदाई नहीं हुई है, जिसके कारण हमारे यहाँ जल भराव हुआ है। कितनी फसल बर्बाद हुई है? कम से कम 500-600 की जमीन खत्म हो चुकी है, धानों की किसान बर्बाद हो चुके हैं। आपकी कितनी फसल बर्बाद हुई है? हमारी लगभग 4-5 बीघा जमीन मेरी भी बर्बाद हुई है। क्या था फसल में आपके? धान थे। तो आपने शिकायत की इसकी? शिकायत करने की कोशिश की थी, लेखपाल जी के लिए फ़ोन मिलाया, फ़ोन उनका मिला नहीं है। विधायक जी के लिए फ़ोन मिलाया, उनसे भी संपर्क नहीं सदाए। आपकी मीडिया के कारण हम चाह रहे हैं कि आगे तक हमारी सुनवाई हो, पानी के निकलने की उचित व्यवस्था कराई जाए। जो फसल नष्ट हुई है गवर्नमेंट इनके लिए किसानों के लिए कुछ सुविधा दे। हाँ जी, ताऊ जी, क्या नाम है आपका? महाराज सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? किराई गांव किराई। परेशानी क्या है आपकी? हमारी फसल नष्ट हो चुकी है। कितने बीघे फसल नष्ट हुई है आपकी? हमारी है गई 8-7 बीघे, तो हमारी है करीब गांव की पूरी 500-600 बीघे जमीन नष्ट हो चुकी है। पानी का भराव बहुत ज़्यादा है। क्या चाहते हैं आप? हमारी ये सुविधा देखी जाए, पानी का निकास किया जाए और कुछ हमारी बच्चों के लिए कुछ सुविधा करी जाए। प्रशासन को अवगत कराया इस मामले को लेकर? प्रशासन का फ़ोन लगाया, पटवारी का फ़ोन नहीं लगा है, फिर विधायक जी के फ़ोन लगाए, उनका भी फ़ोन नहीं मिला है। अब तक कोई यहाँ प्रशासन का कोई आला अधिकारी यहाँ आया है देखने के लिए आपकी समस्या? कोई नहीं आया सर। अब आप चाहते क्या हैं? हमारी यही है कि पानी का निकास किया जाए और कुछ हमारे लिए सुविधा की जाए। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।